हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग जा रहे हैं ओला इलेक्ट्रिक के राइड पे गोवा टू चोरला घाट, और देखते हैं क्या होता है। मेरे दोस्त लोग मुझे रुके हैं पेंजिम साइड में, तो देखते हैं और कितने राइडर हैं ये इलेक्ट्रिक राइड पे जाने के लिए। तो लेट्स सी। तो गाइज हम लोग वेट कर रहे हैं दोस्त लोगों के, तो लेट्स सी। तो गाइज एवरीबॉडी इज हियर, सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द राइड। तो गाइज हम लोग एयर फील करने के लिए आए हैं, तो मैं बार बार बोलता रहता हूँ, फ्रंट इज 29, रियर इज 33, सो ऑलवेज रिमेम्बर दैट। नहीं, तू आगे मेरे को 29 ही मार। Taki? Yes. How many kilometers you have driven till today? Till now I have completed 9,000 kilometers. Okay. 9,000 kilometers is done. In just 4 months. In 4 months. So guys, log EV lene ke liye dar rahe hai, par see, everybody is riding Olas now. ये देखिए गाड़ी बहुत किलोमीटर चल चुकी है, 9,000 किलोमीटर, सो इट्स गोइंग गुड गाइस, पेट्रोल टू ईवी। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं राइड पे, तो आई एम शिफ्टिंग माय रीजन ऑन हाई। सो लेट्स गो। तो गाइस हमारी राइड चालू हो चुकी है, एंड देखते हैं अभी क्या है क्या नहीं है। 121 किलोमीटर्स की रेंज अभी है, तो हम लोग इधर से अभी चोरला घाट जा रहे हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई होप ये रेंज हमें पूरी जर्नी कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगी, तो लेट्स सी। आई डोंट नो, ऑल बाइक्स S1 प्रो, और going good. क्या फील है गाइज, ये राइड तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मज़ा आ रहा है जाने के लिए दोस्त लोगों के साथ। देखते हैं, 106 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा है, हम लोग को तो बहुत दूर जाने का है अभी। अच्छी, ये देखिए गाइज मैं मैक्सिमम रीजन यूज़ कर रहा हूँ स्लो करने के लिए। तो इसका एक अच्छा फ़ायदा है गाइज कि ब्रेक की ज़रूरत ही नहीं है, आपके डिस पैड्स भी नहीं घिसेंगे ज़्यादा। आपको तो पता ही है डिस पैड्स का रेट है 700 ईच, 2000 तक जाता है आगे पीछे का। वी आर यूजिंग मैक्सिमम रीजन। तो गाइज हम लोग 26 किलोमीटर्स, देखते हैं हम लोग कितना किलोमीटर चलाया है। 42 किलोमीटर्स मैंने ऑलरेडी चलाया है, 74% बैटरी है अभी गाड़ी में। और तो हे गाइज हम लोग ऑलरेडी साकली में है अभी, और इधर से अभी चोरला घाट ट्रेवल करने वाले हैं। अरे बाइकर्स, हम लोग और एक दोस्त के लिए रुके हैं अभी। ये ओमकार की बाइक है, और 74% है बैटरी, 50 बैटरी है, 73। एंसल के बाइक की बैटरी है 73%, और बाकी की बैटरी है 76। अभी मैक्सिमम रेंज तो इसके पास ही है,
तो गाइज हम एक प्लेस मिली है जिधर हम लोग थोड़ा फोटोशूट भी निकाल के राइड को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो तो गाइस हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी राइड। फोटोशूट हमारा हो चुका है। तो गाइस हम लोग चोरला घाट का घाट निकालने के लिए रेडी है। ये हम लोग का अभी हील चालू हो गया है, तो देखते हैं कैसी चलती है जर्नी। तो ये देखिए गाइस हम लोग आराम से हील क्लाइंब कर रहे हैं। अभी तक कोई भी हीटिंग का इश्यूज नहीं आया है मेरे को। गाइस बहुत लोग बहुत डरते हैं कि बाबा इलेक्ट्रिक गाड़ी लेने के लिए बहुत लोग डर रहे हैं। मैं भी डर रहा था पहले स्टार्टिंग पर अभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है इलेक्ट्रिक गाड़ी पे। मैंने बहुत सारे लॉन्ग टूर किए हैं ओला इलेक्ट्रिक पे। तो मैं सोच रहा था कि गोवा से बेलगाम, बेलगाम से पुणे, ये सब हम लोग राइड करें, तो देखते हैं क्या होता है। मैंने अभी क्रूज कंट्रोल लगाया है, मैं राइड कर रहा हूँ। तो गाइस ये देखिए हम लोग ऑलमोस्ट चोरला घाट के ऊपर ही है हिल। ये देखिए तो राइड इज रियली ग्रेट टिल नाउ। अभी तो पानी नहीं है, बारिश का सीजन तो नहीं है। ये है मेरी बाइक, इसकी बैटरी है 54%। सो गाइस ओमकार मेरी गाड़ी चलाने वाला है और मैं ओमकार की गाड़ी चलाने वाला हूँ, तो उसको हील होल्ड के ऊपर कुछ वीडियोस बनाने का है। तो गाइस हम लोग चला रहे हैं ओमकार की गाड़ी और ओमकार मेरी गाड़ी चला रहा है, उनको हिल होल्ड के ऊपर वीडियो बनाने का है। तो गाइस ये ओला का जर्नी बहुत सही चल रहा है अकॉर्डिंग टू मी, इट्स रियली गोइंग गुड। और आराम से गाड़ी बिंदास हिल पे चढ़ रही है, कुछ भी इश्यूज नहीं है अभी तक, इट्स गोइंग ग्रेट। गाइस हम लोग ऊपर तक पहुंच चुके हैं अभी ओला गाड़ी पे। ये है हम लोग की बाइक्स और ये जर्नी तो रियली अमेजिंग है। हील होल्ड की तो मेरे को ज़्यादा ज़रूरत पड़ी नहीं है, हील होल्ड ज़्यादातर ट्रैफिक में ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये देखो ये पूरा घाट हम लोग गाड़ी चला के आए हैं, ये पूरा घाट ये देख रहे हो, इधर नीचे से हम लोगों ने स्टार्ट किया था और अभी तक मुझे कोई भी हीटिंग का इश्यूज नहीं आया है गाड़ी में, इट्स गोइंग ग्रेट। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ओमकार कैसा है हिल होल्ड? इज सुपर्ब। अरे सच्चे में ब्रो तुम्हारी गाड़ी लाखों में एक है, क्योंकि इस एक ही गाड़ी में आपको मिलेगा हिल होल्ड और अपने पावर देखा कितना पावर है इसमें। ओमकार ये कैसा एक्टिवेट हुआ मेरे गाड़ी में, कुछ बता सकते हो क्या मैजिक है? और उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो गलत कमेंट करते हैं भाई ये बोट नहीं है पानी में जाने के लिए और कुछ कुछ कमेंट्स आ रहे हैं? तो ब्रो एक तो ये हमारी गाड़ी है, हम खुद टेस्ट करेंगे क्योंकि हमको ओला पे भरोसा है
हमको मालूम है, उन्होंने बोला है वाटर प्रूफ है तो हम टेस्ट कर रहे हैं ना। कंपनी सेज इट, वो खुद ही प्रमोट करते हैं तो हम टेस्ट किया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली, पर कोई खिलौना नहीं है कि पानी में धक्के रखो, पानी में बारिश में बाहर मत निकालो। एग्जैक्टली, टेस्ट द व्हीकल, इट्स परफेक्ट, इट्स द बेस्ट, और ऑलवेज सपोर्ट आवर चैनल। हे गाइस, हम लोग खाने के लिए रुके हैं अभी लंच टाइम के लिए, बहुत भूख लगा है। ये देखो आखी क्या बोल रहा है, बहुत भूख लगा, बहुत भूख लगा है। पिट स्टॉप, हमारी गाड़ी तेल नहीं खाती है, नो तेल। हम लोग तेल खाते हैं पर गाड़ी नहीं खाती है। सो इट्स लवली मैन, इट वाज अ ग्रेट जर्नी। ये देखो 41% बैटरी रिमेनिंग है, 71 किलोमीटर चलाया है मेरे दोस्त ने। ये है मेरे दोस्त की बाइक, आकी की बाइक। ये गाड़ी देखिए, 42% बैटरी है, 68 किलोमीटर ड्रिवन है, और मेरे बाद में देखते हैं, अभी तो बहुत भूख लगा है। ये देखो 67, 43% बैटरी। सो गाइज, आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट अवे, और इसका पार्ट टू आने वाला है, विच इज सोरला घाट टू गोवा। सो स्टे ट्यून, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक इट, एंड प्लीज शेयर द वीडियो अमॉन्ग एवरीबॉडी। So till then, goodbye.